लगा के ना मेरी स्किन एकदम ब्रेकआउट करने लग जाती है और फिर उनका हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो इंग्रीडियंट्स होते हैं है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फेस पे रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपकी फेस की स्किन सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा केयर ऑफ योर फेस स्किन बट हैंड्स एंड फीट को यू कैन यू नो मेक डी आई वाई मास्क एंड स्क्रब्स एंड पैम्प एम तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डी आई वाई पेडिक्योर एट होम जिससे आपको मिल सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल से फीट जिनको आप फ्लॉन्ट कर सकते हो बहुत प्यारे लगते हैं एंड uh, अगर आप लोगों को मैने की और देखना है डी आई वाई मैं घर पे कैसे करती हूँ तो उसकी वीडियो तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ लिंक कर दूंगी अगर नहीं देखी है तो सो या इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पैम्परिंग यूर फीट एंड टू जस्ट रिलैक्स आफ्टर अटायरिंग वीक सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड सारे के सारे स्टेप्स डी आई वाई होने वाले होम मेड किचन प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा खरीदा हुआ नहीं है बट इफ़ यूर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक आवर मोमेंट एंड हिट दैट टेट सब्सक्राइब बटन कर दो सब्सक्राइब इतने सारे लोग मेरी वीडियो देखते हो सब सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नाउ विदाउट एनी फॉर द जस्ट डाइव राइड इन द वीडियो वीडियो स्टार्टिंग में आपने बिफोर और आफ्टर की क्लिप तो देख ही ली आपने देखा कि कैसे मेरे पैर एकदम बेजान से जानदार हो गए थे और उसके हैं दो रीजंस एक है जो मैं डी आर पेडिकोर इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और दूसरा है ये जूक के फुटवेयर सो लेट्स जस्ट टेक अ अवेंट एंड टॉक अबाउट दिस फुटवेयर बिकॉज दिस इज अ रिसेंट एडिशन इन माई कलेक्शन और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी सो so, जूक बेसिकली एक वीगन लाइफ ब्रांड है जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश बैग्स एंड फुटवेयर में डील करता है एंड यहाँ पे मेरे पास है ये स्लाइड्स ये फ्लैट हैं and, uh, इसका नाम है जयपुर गार्डन तो, चार्ट आता है, तो इस में ना आप अपना ना मेजर कर सकते हो uh, कहा तक आपके फीट की लेंथ है तो उस अकॉर्डिंग आप नंबर यू नो अपना कर सकते हो सो आई एम इन द साइज फोर आई नो मेरे पैर बहुत ज्यादा छोटे है प्लीज डोंट कमेट मी पूरे स्कूल कॉलेज टाइम पे ना सब बहुत मजाक उड़ाया है कि मेरे पैर इतने छोटे

वेरी कंफर्टेबल एंड इसमें इधर ऊपर भी कुशनिंग है तो दोनों तरफ से आपके पैरों को सपोर्ट मिलेगा एंड इसको आप पूरे दिन भी पहन के चलो ना आपके पैर बिल्कुल भी यू you नो know, दर्द नहीं करेंगे एंड लाइक दिस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल आई कैन वेयर देम फॉर द इंटायर डे

सो so, पेडर का पहला स्टेप होने वाला है नेल पेंट रिमूवल क्योंकि आप देख सकते हो नेल पेंट ना काफ़ी ज्यादा चाप हो गई है बहुत दिन से लगी हुई है तो मैं बोर भी हो गई थी तो मैं नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ एक एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर की मदद से मैं कॉटन पैड पे थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर लेती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे से अपने यू नो you know, नेल्स पे से नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप होने वाला है तो ट्रिम योर नेल्स क्योंकि नेल्स काफी ज्यादा लंबे हो गए हों तो उनको ट्रिम कर दो बहुत ज्यादा लंबे नेल्स अच्छे नहीं लगते मुझे तो खासकर बट इट इज पर्सनल प्रेफरेंस क्योंकि जब ज्यादा लंबे हो जाते ना पैर के नाखून तो चलते चलते कहीं पे टकरा गए ना तो इट जस्ट पेन्स लॉट सो आई कीप माय टोन एल वेरी वेरी शॉर्ट तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी शॉर्ट है क्योंकि थोड़े से भी बढ़ जाते हैं ना मैं उन्हें ट्रिम कर देती हूँ सो आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ ट्रिमिंग हियर बट अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर कर सकते हो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ सो थर्ड स्टेप होने वाला है हेयर रिमूवल ताकि आपकी जितनी भी अः uh, हेयर है वो रिमूव हो जाए और जितने भी आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने वाले हो ना वो आपकी स्किन में अच्छे से अंदर तक जाए सो आप हेयर रिमूवल के लिए वैक्सिंग और शेविंग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो मैं आज यूज कर शेविंग क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले वैक्सिंग करी है एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ इस टाइम पे तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत जितनी भी हेयर ग्रोथ थी उसे एक आ, फेस रेजर की मदद से ही रिमूव कर दिया है आ, क्योंकि ये वाला ना थोड़ा चौड़ा है मैं अपने फेस पे यूज नहीं कर पाती इसलिए मैं अपने फीट पे पेडीक्योर के टाइम पे इसे यूज कर लेती हूं सो नेक्स्ट स्टेप है फुट सोक जब पूरे हफ्ते या दिन की थकान निकालो ना रात में पानी में पैर डाल के तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है पैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं बट सिर्फ पानी क्यों डालना है थोड़ा सा गर्म पानी लोगे आपके पैर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करें उसमें डालो थोड़ा सा विनेगर क्योंकि तो विनेगर में होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज तो जितनी भी बैड ओडोर है उसको रिमूव कर देता है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया अब इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाल लो ताकि आपके पैर काफी ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से फील करें एंड थोड़ा सा सोप डाल लो बॉडी वॉश या फिर शैम्पू कुछ भी डाल सकते हो जस्ट टू क्लीन योर फीट एंड यस अब अपने पैर इसमें अच्छे से सोक कर लो एक टब यूज़ किया है यहाँ पे आप बकेट भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपके पैर काफ्स तक पूरे अच्छे से यू you नो know, सोक होके रिलैक्स हो जाए बट या सोक देम इन फॉर टेन मिनट्स और उसके बाद आप अपने पैर बाहर निकाल लो आपके ना पैर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सोफ सॉफ्ट हो गए होंगे इस टाइम पे तो अब बारी है स्क्रब करने की क्योंकि यू नो मॉइस्ट हो गई है स्किन तो अभी स्क्रब करोगे ना तो अच्छे से डेड स्किन रिमूव हो जाएगी सो फॉर फूड स्क्रब मैं यूज कर रही हूं वन टेबल स्पून कॉफी शुगर उसमें डालूंगी थोड़ा सा ग्लिसरीन और लेमन तो जो कॉफी है ना वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगी डी टैन करेगी आपके फीट को एंड प्लस जो उसमें कैफीन होता है ना उसकी मदद से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है फिर मैंने डाला था शुगर तो शुगर भी आपको एक्सफोलिएशन में काफी ज्यादा मदद करेगी एंड डेड स्किन रिमूव कर देगी देन मैंने डाला था ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन तो ह्यूमेक्टेंट होता है वो मॉइस्चर नेचर से लेके आपके फीट पे लेके आएगी तो आपके पैर ना सॉफ्ट फील करेंगे तो स्क्रब करने के बाद भी आपके फीट बहुत ज्यादा ड्राई एंड डल नहीं फील करेंगे दे विल स्टिल स्टे मॉइस्चराइज एंड यू नो सॉफ्ट एंड सपल उसके बाद मैंने डाला उसमें लेमन जूस क्योंकि लेमन जूस में होता है वाइटमिन सी जो कि आपकी इवन टोन कर देगा पैरों की स्किन को और लेमन की वजह से जो आपके नेल्स येलो रखे होंगे ना वो भी स्टेनिंग हल्की हल्की कम हो जाती है अब मैं इस फुट मास्क को अपने पैरों पे लगा के अच्छे से कुछ देर के लिए स्क्रब कर लूंगी बेसिकली मैं फोकस करूंगी अपनी हील एरिया पे क्योंकि मेरे पैरों में तो सबसे सब ज्यादा डेड स्किन वहीं पे जमा हो जाती है और जब बहुत ज्यादा डेड स्किन जमा हो जाती है ना फिर वो क्रैक करने लग जाती है और फिर आपको हो जाती है क्रैक ढील्स की प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम होने से पहले ही अपने पैरों को इस फुट स्क्रब से स्क्रब करो एंड यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम एट ऑल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ वो होने वाला है एक मास्क मुझे मास्किंग बहुत ज़्यादा पसंद है जब मुझे आलस आ रहा होता है तो मैं कोई भी फेस मास्क अपने पैरों पर पे लगा लेती हूँ बिकॉज इट वर्कस द सेम फॉर द स्किन देयर इज वेल बट आज हम करने वाले हैं डी आई मास्क तो डीआई मास्क के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बेसन बेसन में डाली थोड़ी सी हल्दी और उसमें मिल्क और रोज वाटर डाल के धीरे धीरे आप उसको मिक्स कर लो एक अच्छी कंसिस्टेंसी तक ताकि ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो सो so, इसमें जो बेसन एंड हल्दी डाला था वो एंटी बैक्टीरियल एंड एक्सपोलिएटिंग होती है तो वो आपकी डेड स्किन भी रिमूव कर देगी एंड बैक्टीरियाज भी प्रिवेंट करेगी इसमें जो हमने मिल्क और रोज वाटर डाला था वो आपके पैरों को मॉइस्चराइज करेगा तो अब आप इस मास्क को अपने पैरों पे अच्छे से इवनली थिन लेयर लगा लो और उसको पाँच दस मिनट के लिए छोड़ दो जब तक वो ड्राई ना हो जाए और जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा फिर उसको वॉश कर लो अच्छे से तो so, आप देख सकते हो ऑलरेडी पैर कितने मस्त फील होने लग गए हैं अभी आप इनको टावल से पैड ड्राई कर लो और अब आपको पानी का कोई काम नहीं है अब यू हैव हाँ टू तो जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर बट मॉइस्चराइजर से पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वाइटमिन सी सीरम क्योंकि विटामिन सी से ना आपकी जो पैरों की स्किन है वो इवन टोन हो जाएगी कई बार मुझे ऐसा लगता है ना मेरे पैर पे कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं तो इसलिए मैं विटामिन सी लगा लेती हूँ आप लेमन भी यूज कर सकते हो वो भी आपको सेम ही इफेक्ट देगा एंड उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये एक फुट क्रीम यूज कर रही करूं आप कोई भी मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन कुछ भी यूज कर सकते हो उसमें मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन मिक्स कर दूंगी क्योंकि इतना ज्यादा अभी आपने स्क्रबिंग मास्किंग सब कुछ किया है ना तो डेड स्किन तो रिमूव हो गई है बट पैर थोड़े से डल हो गए हैं तो ग्लिसरीन से क्या होगा सारा नेचर का जितना इतना मॉइस्चर है ना सब पैरों में आके पैर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बाउंसी बाउंसी हो जाएंगे तो क्रीम को और ग्लिसरीन को मिक्स करो और अपने पैरों पर पे लगा लो कॉन्सनट्रेटेड मेनली एट दी हील एरिया क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा डेड स्किन जमा होती है अब आपको कुछ नहीं करना है छोटे से कॉटन पैड पे थोड़ा सा नेल पिन रिमूवर लो नेल्स के ऊपर रन कर लो ताकि मॉइस्चराइजर जो नेल पे लगा होगा वो हट जाए और अब लगा लो नेल पेंट क्योंकि मॉइस्चराइजर के ऊपर नेल पेंट लगा लोगे ना तो वो स्लिप करेगी और जल्दी रिमूव हो जाएगी सो so, अब कोई सा भी अच्छा सा कलर चुन लो मैंने यहाँ पर्पल लगाया मुझे पसंद नहीं आया फिर मैंने एक बर्न्ट ऑरेंज रस्ट सा कलर लगा लिया जो बिल्कुल फॉल अप्रोप्रिएट है एंड आप देख सकते हो कि अब मेरे पैर कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मजा ही आ गया और इतना ज़्यादा पैम्परिंग एंड रिलैक्सिंग फील करता है और उसके बाद इतने सुंदर सुंदर पैर हो जाते हैं ना यू कैन फ्लॉन्ट योर फीट एंड आप इस प्रोसेस को हफ़्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार कर सकते हो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और अगर टाइम नहीं है तो महीने में एक बार कर लो तो भी काफ़ी है क्योंकि नेल पेंट तो वैसे भी पैरों की सदियों सदियों तक जाती नहीं है सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे मैं अपने घर पे ही अपना पेडिक्योर करती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दो थम्स अप और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है डी आई एंड नेल एक्सटेंशन एट होम दोनों वीडियोस मैंने ऊपर लिंक करी है आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्थी Bye bye.